हेलो गाइस, इस वाले वीडियो में आपको मैं मार्जिन, DCX मार्जिन, लैंड और कन्वर्टर के बारे में बताऊंगा। DCX ट्रेडिंग और ये इंस्टा के बारे में मैंने ऑलरेडी पार्ट वन करके एक वीडियो बना चुका है, जिसमें आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करवाया था। और इसमें जो मैंने बताया था ना, उसमें आपको मतलब बताया था कि आपका लॉस नहीं होगा, मतलब वो उतना ही प्राइस डालना जितना, मतलब थोड़ा सा अगर BTC का प्राइस डाउन हो जाए तो आप लोग उसको सेल भी कर सकते हो, तो उसमें मतलब इतना लॉस नहीं होगा। बट DCX मार्जिन में जो है ना, आप का मैं अभी अच्छे से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले DCX लैंड और कन्वर्टर बता दूँ, ये तो मतलब आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा। ये भी ध्यान दे देना, इसमें भी आपका प्रॉफिट, या कन्वर्टर तो मतलब प्रॉफिट नहीं, लैंड में आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो देखो, मार्जिन में क्या होता है, जैसे हम लोग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग बिटकॉइन बाई करते हैं और सेल करते हैं। अब इसमें आप लोग देख रहे होगे, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट मतलब आपको लग रहा है बिटकॉइन अप, मतलब बिटकॉइन इंक्रीज हो रहा है, तो आप लोग लॉन्ग लॉन्ग पे क्लिक करो। अगर आपको लग रहा है बिटकॉइन डिक्रीज होने वाला है, मतलब ये जो ये प्राइस है 9,000, ये USDT में दिखा रहा है, इतने USDT से आपको लग रहा है ये डाउन होने वाला है, मतलब बिटकॉइन गिरने वाला है, या आपने कहीं न्यूज़ पढ़ लिया कि बिटकॉइन अभी गिरने वाला है, तो फिर आप लोग शॉर्ट करो। तो अभी मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के लिए लॉन्ग पे ले लेता हूँ कि मेरे को लग रहा है बिटकॉइन बढ़ने वाला, तो देखो यहाँ पे भी आप लोग लॉन्ग शॉर्ट ले लेते हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं क्या करूँगा, मार्केट प्राइस पे इसकी मार्जिन करूँगा, मार्केट प्राइस, मार्केट जो मार्केट वैल्यू है उस पर मैं इसकी मार्जिन करने वाला हूँ। तो अभी मान लो सपोज मेरे पास अभी इसमें बिटकॉइन नहीं है, सपोज मान लो मेरे पास इसमें मिनिमम वैल्यू जो है 15 USDT पे आप लोग मार्जिन कर सकते हो। तो अभी मान लो मैं 0.002 BTC ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू समथिंग, हाँ ये देखो 18 USDT होती है। तो अभी देखो, अब देखो ये मार्केट प्राइस है 9,177, ये जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ये इसकी मार्केट प्राइस है। अब मैं यहाँ पे आप लोग देख लोगे, ये लेवरेज 1x, 2x, 3x, 5x, 6x, ये क्या है, और यहाँ पे टारगेट प्राइस, SL प्राइस, ये सब क्या है, तो सब बता, तो आप लोग ध्यान से सुनना। अब देखो जैसे कि मान लो आपने, मैं एक जस्ट INR में एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने यहाँ पे, मैं अभी हटा के मैं मान लो INR में लिख देता हूँ, आपने सपोज मिनिमम जब 15 USDT है, तो मान लो आपने 10,000, सपोज मान लो 10,000 ये BTC, मैं INR में आपको बता रहा हूँ, 10,000 आपने रुपये इसमें लगाया, 10 रुपये डाले और आपने इसमें 2x सेलेक्ट किया, जस्ट मैं अभी सब कुछ बताता हूँ, मान लो मतलब 3x सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9178 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9190, और SL प्राइस में लिख देता हूँ 9160। सो अब देखो ये क्या हुआ कि मैंने 10,000 इसमें रुपए लगाए हैं और मैंने 3x सेलेक्ट किया, और ये मैंने दो वैल्यू लिखी है, टारगेट प्राइस और SL प्राइस। तो देखो अभी सुनो, अब देखो अगर बिटकॉइन यहाँ से मैंने लॉन्ग किया है, अगर यहाँ से ये 9176 से बिटकॉइन अप हो रहा है, बिटकॉइन इंक्रीज हो रहा है, देखो ये ग्रीन मतलब इंक्रीज हो रहा है, रेड मतलब डाउन हो रहा है, तो अगर ये बिटकॉइन इंक्रीज हो रहा है, और बिटकॉइन जो भी इंक्रीज 1%, उसका अगर सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ, तो अगर देखो 10,000 का 1% मतलब 100 रुपीज़, ठीक है, और 100 का 3x मतलब 300 रुपये। सो आप ही देखो, तो सिर्फ के सिर्फ अगर बिटकॉइन 1% इंक्रीज होता है, तो मेरा जो मैंने 10,000 लगा उसका मतलब 10,000 का 1% मतलब 100 रुपये का 300 रुपये मेरे को प्रॉफिट होगा, मतलब 10,300 रुपये मेरे को मिलेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये टारगेट प्राइस और SL प्राइस मैंने क्या लिखा, टारगेट प्राइस मतलब एक पीक पॉइंट तक वो 9,190 तक पहुँचेगा, जैसे 9,000 अभी 175 है, 76 हो गया, 9,190 तक जैसे ही पहुँचेगा आपका ऑर्डर वैल्यू, मतलब वो जितना भी इंक्रीज हुआ वो सब कुछ मतलब वो आपका कैंसिल होके सब कुछ आपके मतलब INR में जितना भी पैसा होगा, सब INR में जितना भी प्रॉफिट होगा सब आपके आ जाएगा फंड में, जो वहाँ पे फंड रहता है वहाँ पे आपका सीधा आ जाएगा। बट अगर बिटकॉइन मतलब SL प्राइस मतलब कि एक प्राइस होता है, मतलब अगर देखो अब यहाँ से अगर ये डिक्रीज होता है, तो आपने जितना बिटकॉइन मतलब डाला ना, वो डिक्रीज भी होना चालू कर देगा, मतलब 1 रुपीज़ माइनस होगा, फिर 2 रुपीज़ माइनस होगा, 3 रुपीज़ माइनस होगा, 4 रुपीज़ माइनस होगा, 5 रुपीज़ माइनस होगा, ऐसे चीज़ जितना जितना वो नीचे जाएगा ना, उतना उतना माइनस भी होता रहेगा, लेकिन जितना जितना वो अप जाएगा उतना उतना प्लस भी होता जाएगा। सो आपको देखना पड़ेगा मतलब कब इंक्रीज हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, तो मतलब आप लोग ट्राई करना उसी टाइम जब जब एक मतलब
एक पीक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसी टाइम पे आप लोग डिपॉजिट करो। मैं वैसे भी हमेशा बताता रहता हूँ कब बिटकॉइन, अभी मैंने 2 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि एक वीडियो मैंने बताया अभी बिटकॉइन की प्राइस डाउन होने वाली, तो जिसको सेल करना सेल कर दे। और जस्ट उसके एक दिन बाद बताया था कि बिटकॉइन की प्राइस अभी अप होने वाली, तो जिसको कुछ भी बाई करना है, BTC बाई करना है, कहीं पर बिटकॉइन डिपॉजिट करना है, कुछ मशीन मतलब माइनिंग लैब में मैंने बोला था मशीन खरीदने के लिए, तो वो सब खरीद सकते हो। तो अभी देखो आज जो प्राइस है वो 7,10,000 INR में समथिंग है, तो अभी मैंने एग्जैक्ट नहीं पता बट इतना मैंने देखा था मॉर्निंग में, तो अभी आपको ये पता चल गया होगा। अब देखो SL प्राइस मतलब कि लॉस, मतलब इतना अगर इससे ज़्यादा लॉस आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे, मतलब ये मतलब अभी मैं कैसे बताऊँ, जैसे 9,160 से मतलब जैसे ही पहुँचेगा, क्योंकि देखो आप इस पे लगा रहे हो 9,171 पे लगा रहे हो, तो उससे नीचे अगर जाएगा तो आपका लॉस ही होने वाला है। तो 9,160 तक जैसे ही जाएगा जितना मतलब थोड़ा सा थोड़ा बहुत लॉस होगा, मतलब 10,000 लगाए हो तो ज़्यादा जब 50-60 रुपये का लॉस होगा, उतना लॉस होके वो मतलब कैंसिल हो गया, जितना भी बिटकॉइन है 9,000 समथिंग बचेगा, 9,950 बिटकॉइन वो आ जाएगा आपके, उतना बिटकॉइन मतलब 9,950 जो INR में बिटकॉइन है वो आपके आ जाएगा, तो 50 रुपये का जो लॉस होगा, तो ये जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा वो होगा मतलब आपका माइनस हो जाएगा। तो अब देखो इसमें एक और है, ये हार्ड लिक्विडेशन। हार्ड लिक्विडेशन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो अभी ये जितना आप 3x 4x इंक्रीज करोगे ना, तो ये हार्ड लिक्विडेशन बढ़ती जाएगी। अभी मैं 5x कर दूंगा तो 8,000 होगा, और 6x कर दूँ 8,300। तो ये क्या है हार्ड लिक्विडेशन, मतलब क्या होता है कि अगर इस प्राइस पे BTC पहुंच गया तो आपने जितना भी पैसे डाले हैं वो सारे पैसे आपके जीरो हो जाएंगे, जीरो। अब दिखाता हूँ, जैसे कि अभी देखो इसकी प्राइस है 9,182 USDT और मैंने 10,000 लगाया है और लॉन्ग पे किया है और 6x किया है, तो और यहाँ पे देखो 8,340 ये हार्ड लिक्विडेशन है, 8,000 मतलब इतनी USDT लिक्विडेशन है। मतलब अगर बिटकॉइन की वैल्यू 9,000 से 8,338 पे आ गया, तो मैंने 10,000 जो पैसे लगाए ना वो तुरंत मतलब जीरो हो जाएंगे, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा हमें, जीरो जीरो हो जाएंगे अगर इतने पे आता है। लेकिन अगर 9,180 मतलब देखो अभी मैंने 75 से समथिंग ये अभी बढ़ ही रहा है, तो अगर आपको लग रहा है ये बिट मतलब बढ़ने वाला है, और 10,000 का मतलब सपोज लो आप लोग नौ ये 9,180 का सिर्फ 2%, अगर मान लो सपोज 2% बढ़ गया बिटकॉइन, जो 2% इंक्रीज हुआ है, तो आपने 10,000 लगाया मतलब 200 और 6x लगाया मतलब 1,200 का प्रॉफिट होगा, 1,200 का प्रॉफिट हो जाएगा तुरंत आपके, मतलब ऑर्डर कैंसिल कर दो, आपका जितना भी पैसा होगा वो सारे पैसे ये 1,200 का जो प्रॉफिट होगा आपके उसमें फंड में आ जाएगा। सेम चीज़ शॉर्ट में, वही शॉर्ट में भी है। शॉर्ट में अगर आपको लग रहा है 9,180 अब बिटकॉइन डिक्रीज होने वाला है, तो आप लोग सारा प्रोसेस डिक्रीज का कर दो। सो देखो यहाँ पे आपका ये SL प्राइस है, SL प्राइस ही सिर्फ है, BO मतलब ब्रेकआउट ऑर्डर समथिंग होता है इसका, ब्रेकआउट ऑर्डर बोलते हैं। ब्रेकआउट ऑर्डर में टारगेट प्राइस जैसे नहीं, एक मतलब टारगेट प्राइस लगा दिया, एक लगा दिया बी मतलब बीच में हमारा बिटकॉइन है, एक लगा दिया टॉप प्राइस मतलब इतने BTC तक जाएगा, हमें लग रहा है कि इतने बिटकॉइन तक जाने वाला है, मतलब 7,10,000 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो मैंने 7,10,000 तक लगा दिया मतलब कि इतने तक जाएगा, और मैंने लगा दिया ज़्यादा ज़्यादा 6,90,000 तक, मतलब उससे नीचे अगर आएगा तो हम लोग मतलब ज्यादा मतलब हम पैसे 10,000 ज्यादा माइनस नहीं कर सकते, तो हमने लगा दिया कि 9 लाख सॉरी 6,90,000 तक, मैं INR में आपको बता रहा हूँ, 6,90,000 तक वो उतनी वैल्यू आपकी पहुंचेगी, उससे ज्यादा उससे तुरंत जैसे ही पहुंच मतलब जैसे 6,90,000 तक पहुंचेगा वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। सो इसमें भी देखो लॉन्ग शॉर्ट तो आपको समझ में आ गया, अब इसमें और भी कुछ नहीं है, मतलब जितना ज़्यादा आप लोग मैं तो कहूँगा लेवरेज जो है 1x 2x में ही रखो, और 3x मतलब जब एकदम मतलब ज़्यादा मतलब थोड़ा श्योर, और जब 100% श्योर हो कि मतलब हाँ बिटकॉइन इंक्रीज डिक्रीज होने वाला, तो आप 6x में उसकी मार्जिन कर लो लॉन्ग शॉर्ट जो भी आपको लगे। बाकी तो मैं तो कहूँ अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो 1x 2x में रख के थोड़ा बहुत छोटा मोटा गेम खेलते रहो, और 15 USDT मिनिमम है तो मतलब 1,200-1,300 मतलब आसपास थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होगा, तो उसने पे आप लोग कर सकते हो। तो मार्जिन आपको मतलब समझ में आ गया होगा, तो ये कर सकते हो। आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि मतलब मार्जिन पे वीडियो बनाओ, तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पर्सनली मेरे से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो।
तो मैं बता दूंगा। सो अभी ये मार्जिन का ये रहा, अब मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी देखो मार्जिन जो है ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मार्केट में मार्जिन जो है ना बहुत सारे, कोई मैंने अभी आपको सिर्फ यूएसडीटी में बताया कि मार्जिन कैसे करते हैं और बिटकॉइन में बताया ऐसे। मतलब मार्जिन आप किसी में एक्सआरपी में भी कर सकते हो, एक्सआरपी में सिर्फ टीआरएक्स के साथ कर सकते हो इसकी मार्जिन, फिर इथेरियम के साथ भी बहुत सारे हैं, बीटीसी के साथ भी बहुत सारे। तो आपको जिसमें मतलब आईएनआर में आप लोग मार्जिन नहीं कर पाओगे इसमें, तो मतलब और जितने भी मतलब आपको लगे इसमें देख लेता हूँ आईएनआर है नहीं कि नहीं, आईएनआर में आप लोग मार्जिन नहीं कर सकते हो, सिर्फ के सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ लैंड क्या, लैंड में भी आपका मतलब प्रॉफिट हो सकता है। देखो लैंड में क्या है ना, आप मतलब इसमें आपको क्या, जैसे नहीं लोन देते हैं या बैंक वाले लोन देते हैं हमें, फिर उसके बाद वो कुछ इंटरेस्ट के साथ पैसे लेते हैं, सेम चीज़ इसमें भी हम इनको पैसे देंगे और ये हमें 15 दिन के लिए, 1 वीक के बाद वो 10 दिन, जितना हम लोग डे सेलेक्ट करेंगे उतने दिन में हम वो लोग उतना हमें प्रॉफिट करके देंगे। तो सबसे ज़्यादा अभी सबसे यूएसडीटी का इन्होंने शायद निकाल दिया है, यूएसडीटी का 99% समथिंग मंथली रेट था। मतलब आप अगर 100 रुपये देते हो तो 1 मंथ में वो 1 रुपीज़ देंगे, उसका 1% देंगे। तो अभी जैसे बिटकॉइन हम लोग देते हैं तो ये इसका मंथली रेट 0.77% है। तो मैं लैंड बीटीसी पे जाऊंगा और मैं क्वांटिटी मान लो सेलेक्ट करता हूँ, इंटर क्वांटिटी बोला तो मैं 0. यूएसडीटी में, ये सॉरी, तो मैं लेता हूँ समथिंग मान लो मैं 50 यूएसडीटी इनको देता हूँ और डे सेलेक्ट कर लेता हूँ 20 दिन के लिए। सो 20 दिन में ये देखो यू रिसीव 50.246 यूएसडीटी हमें ये देंगे। तो हम लोग जितना ज़्यादा दिन के लिए डिपॉजिट करेंगे उतना ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा, और जितने क्वांटिटी रखेंगे उतना क्वांटिटी, मान लो मैंने 100 यूएसडीटी रखा, तो ये हमें 20 दिन बाद 100.492, इसमें मतलब ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते, बट इतना भी दे रहे हैं तो कुछ कम नहीं है। मान लो मैंने 30 डेज़ के लिए रखा तो 100.738 यूएसडीटी हमें, मतलब 0.738 यूएसडीटी का हमें फ़ायदा होगा 1 मंथ बाद। और समथिंग अगर 60 डेज़ के लिए, सॉरी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो 30 डेज़ के लिए। तो ऐसे ही हम लोग इनको मतलब सेम ऐसे लाइट कॉइन में मतलब सॉरी एक्सआरपी लैंड LTC, ओके छोड़ो। अभी मान लो मैंने यहाँ पे 50 रखा और मैंने ड्यूरेशन जो है XRP में इनको बोल रहे हैं, तो XRP में मतलब मैंने 100 XRP रखा और ड्यूरेशन 30 डेज़ के लिए रखा, तो ये 100.21, 30 दिन बाद 100.21 ये हमें रिटर्न करेंगे। तो ये होता है मतलब लैंड में आप लोग ये कर सकते हो ये तिथर। ओके ये कुछ इनका गड़बड़ लग रहा है, ये यूएसडीटी का बीटीसी में लैंड बता रहा है, कुछ अलग बता रहा है। सो अभी शायद कुछ ग्लिच होगा पता नहीं। तो यहाँ पे आप लोग मिनिमम जो ड्यूरेशन है 7 दिन के लिए होता है, अप टू मतलब 0.77 का इंटरेस्ट रेट पर मंथ मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप लोग देख लो, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट में पैसे आए, आपको काम नहीं है, तो आप लोग 1 मंथ के लिए इनको डिपॉजिट कर दो, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ वो लोग आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये मतलब छोटा मोटा मतलब ये लैंड आपका मतलब ये 100% सिक्योर है, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं है, मतलब पूरा। और इनकी जो सपोर्ट का जो मतलब बहुत ही जल्दी इनका रिप्लाई आता है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पैसे फंस गए हो, तो इनका मतलब 5-6 घंटे में, 5-6 क्या, मेरा तो मतलब आधे घंटे में रिप्लाई आ जाता है। मैं पहले फर्स्ट टाइम जब मैं किया था मेरा लेट रिप्लाई आया था, बट अभी मैं करता हूँ तो मेरा आधे घंटे 1 घंटे मैक्सिमम लगता है, 1 घंटे में रिप्लाई आ जाता है। कोई भी पैसे फंसे रहते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। अब देखो DCX कन्वर्टर, देखो मैंने बोला था हर जगह मतलब आप INR में देखोगे, आप लोग गूगल पे कहीं वैल्यू सर्च करोगे वहाँ पे वैल्यू अलग रहती है और यहाँ की वैल्यू अलग रहती है। अब सपोज मान लो आपके पास LTC है, उसको देखना BTC में उसकी प्राइस कितनी है, या आप लोग कहीं भी मतलब कोई भी आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप लोग सिंपली आके कन्वर्ट कर सकते हो। ये DCX कन्वर्टर है, इसीलिए यहाँ पे DCX में जो इसके ऐप में जो भी वैल्यू रहेगी ना वो वैल्यू आपको यहाँ पे बताएगा, क्योंकि हर वैल्यू सबकी वैल्यू अलग अलग ऐप में अलग अलग वैल्यू रहती है, कोई ज़रूरी नहीं मतलब एग्जैक्ट वैल्यू सेम हो। और जो ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे 0.1% फीस सिर्फ लगता है, मतलब बहुत ही कम फीस पे इसमें ट्रेडिंग होती है। और आप लोग ट्रेडिंग कोई ज़रूरी नहीं है यहीं पे करो, बाइनेंस बहुत यहाँ पे देखो ना ये नाम लिखा है बाइनेंस, वो फिर हिट BTC, ये सब मतलब बहुत टॉप कंपनीज है जहाँ पे ट्रेडिंग्स होती रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिंग्स होती हैं। तो ये जो है
ये ट्रेडिंग बाइनेंस में भी जिसका अकाउंट है बना लो, बाइनेंस में भी मैक्सिमम सारे क्रिप्टोज हैं, बहुत मतलब मैक्सिमम सारे क्रिप्टोज हैं, नॉट 100%, बट मेरा मैक्सिमम सब में अकाउंट है, सब में मतलब ऑलरेडी सब में अकाउंट है, इसीलिए किसी को कोई भी कॉइन्स चाहिए होता है तो मैं तुरंत उसको दे देता हूँ। तो कोई भी कॉइन चाहिए तो आप लोग बता देना। अब देखो DCX कन्वर्टर मैं बताता हूँ, यहाँ पे मान लो मेरे पास BTC है, तो यहाँ पे देख लो BTC तो बता ही रहा है कितना USDT होता है। 1 BTC इक्वल टू अभी ये जो प्रेजेंट प्राइस है 9,164 USDT। अब मान लो इसको मैंने INR या किसी और में कन्वर्ट करना है, तो देख लो ये अभी INR में बताएगा। ओके हाँ, 1 BTC जो है वो समथिंग 7,13,000 के आसपास इसकी वैल्यू है। सो यहाँ पे आप लोग सीधा कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मान लो आपको USDT लेना है, 1 USDT, सॉरी यू, यहाँ पे USDT लेना है, और ये 1 USDT में 75 रुपीज़ होते हैं INR में। तो ऐसे आप लोग सीधा कन्वर्ट कर सकते हो कि मतलब कोई भी करेंसी हो यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है INR में, LTC को BTC में, 0.1 BTC में देख लो कितना LTC होता है, वो सब आप लोग सीधा देख सकते हो। फंड में आपका सीधा मैंने बताया कि इसका, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखो तो मैंने एक हाउ टू, ये भी मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला, तो वो प्लेलिस्ट आप लोग देख लो। मैंने मैक्सिमम सारे क्रिप्टोज में कैसे अकाउंट बनाना है मैंने वो सब बता ही दिया, बहुत ईजी है, और इसमें मैंने कैसे बाय करना, कैसे INR में डिपॉजिट करना, कैसे विड्रॉ लेना, वो सब कुछ मैंने बता दिया। तो यहाँ पे देख लो जैसे मेरे पास ये 38 रुपीज़ का BTC है, 0.11 का बाइनेंस कॉइन है, फिर उसके बाद ये 1 रुपीज़ का LTC है, 3M 18 रुपीज़ का, TRX है 0.22, INR वॉलेट में 8 रुपीज़ है, और रिपल वैल्यू 360 रुपीज़। ये सारे मैंने मतलब रखे हैं, वो पहले तो बहुत थे बट बहुत लोगों को चाहिए था, मैंने सब कुछ सेंड कर दिया। सो होप सो सबको समझ में आ ही गया होगा, मैंने ऑलरेडी ये 5 चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। DCX फ्यूचर में आपको बाद में, वैसे ये काम का नहीं है आपको, बट ये मैं आपको बाद में ये भी इसके बारे में अलग सा वीडियो बताऊंगा, बट आपको जितना इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा आप लोग देखो ट्रेडिंग ही करो ट्रेडिंग में, बिकॉज आपका लॉस नहीं होगा उतना, मार्जिन करो बट आपको जब मतलब श्योर हो, मतलब 70-80% श्योर हो तब जाके DCX मार्जिन करो। चलो तो फिर कोई नहीं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू गाइस।